नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं शिविंद। भारत के लोकपाल ने झामुमो के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत से जुड़े मामले में 25 अगस्त को लोकपाल के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी, सदस्य महेंद्र सिंह और इंद्रजीत पी गौतम की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद 4 अगस्त को यह आदेश पारित किया है। लोकपाल ने रजिस्ट्री को लोकपाल अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया ताकि शिबू सोरेन व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से खुद पर लगे आरोपों का बचाव कर सके। इसके अलावा लोकपाल ने रजिस्ट्री को यह भी कहा है कि शिबू सोरेन को शिकायत की एक प्रति और सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रदान की जाए। शिबू सोरेन के खिलाफ 5 अगस्त 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी कि वो और उनके परिवार के सदस्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं, और ये भी कहा गया था कि उन्होंने झारखंड राज्य में सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों के अनुपात में बड़ी संपत्ति अर्जित की है और उनके नाम पर कई वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां भी हैं। लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 15 सितंबर 2020 को सीबीआई को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत मामले की प्रारंभिक जाँच करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने 1 जुलाई को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो भी संपत्तियां हैं उनका विवरण था। सीबीआई ने कुछ आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भी संलग्नित किया और सूचित किया कि उसने शिबू सोरेन के कब्जे में और उनके परिवार के कब्जे में संपत्तियों के बारे में टिप्पणी मांगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। नमस्कार।